मौसम के हवाले से आपको जानकारी दे तो मौसम अपनी करवट जो है लगातार बदलता ही रहता है, लेकिन 16 मई से 18 मई तक प्रेडिक्ट किया गया था कि मौसम अपनी करवट बदल सकता है और बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और हेल स्टॉर्म भी देखने को मिलेगा। लेकिन 16 मई की बात करें तो 16 मई को हमें मौसम खुशगवार देखने को मिला। इससे पहले कि हम आपको पूरी जानकारी दें, हमारे साथ काफी सारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं। आप लोग अपने एरियाज को अपडेट करते जाएं और अपने इलाकों के मौसम का सूरत हाल हम तक पहुंचा दें। तो इससे जो 16 मई की बात कर रहे थे हम, तो 16 मई को मौसम जो है काफी खुशगवार रहा, लेकिन शाम के दर्ज हरारत में काफी कमी देखने को मिलती है और लोगों को काफी ज्यादा राहत भी मिलती है। और आज अगर 17 मई की हम बात करें तो 17 मई को काफी ज्यादा गर्मी, आज पूरे दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी शाम होते ही मौसम अपनी करवट बदल लेता है और मौसम की करवट बदल लेने के बाद ही आसमान जो है अबूर आलूदा हो जाता है, आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज हवाओं के साथ साथ जो गर्मी का दर्जा हरारत जो है कम होता जाता है और लोगों के चेहरों पर एक खुशी नजर आती है, क्योंकि इससे जो है पूरे दिन जो है गर्मी काफी ज्यादा होती है। इससे लोग जो है आजकल हाहाकार कर रहे हैं क्योंकि गर्मी ने काफी ज्यादा लोगों को परेशान करके रखा है, लेकिन जैसे ही मौसम अपनी करवट बदल लेता है, मौसम करवट बदलते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और राहत मिलती है। तो हमारे साथ यहाँ पे काफी सारे व्यूवर्स हैं, तो मैं फिर से आपको बताती चलूं कि आप जितने भी इलाकों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने एरियाज को अपडेट करते जाएं, हम भी जानेंगे और हमारे व्यूवर्स भी जो आप सबके साथ यहाँ पर जुड़े हुए वो आप तक जो है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि किस एरिया में किस हिसाब का मौसम का सूरत हाल है। अभी हम मौजूद है श्रीनगर के लाल चौक में, जहां पर अभी आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं के साथ साथ किस तरीके से लोग जो है काफी अभी गर्मी से राहत पा रहे हैं, लेकिन हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर खुमानी चौक बेमना से हमारे साथ यहाँ पे हाजी मोहम्मद अशरफ है, जो कि बोल रहे हैं कि हवाएं काफी ज्यादा तेज चल रही है और बारिश भी साथ चल रही है। मीर राहिल हमारे साथ यहाँ पे, जो कि कह रहे हैं कि सुबह से पता थी कि अभी। हमारे साथ नदीम अहमद है, जो कि कह रहे हैं कि नसरुल्लापुरा बडगाम में 4G स्पीड पर यानी काफी ज्यादा बारिश वहां पे शुरू हो चुकी है, हंदवाड़ा में बारिश हो रही है। और हमारे साथ है सऊदी अरबिया से हमारे साथ है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा सैंड स्टॉर्म है। आप देख सकते हैं अभी लाइव विजुअल्स में कि यहाँ पर अभी किस तरीके का जो मौसम का सूरत हाल है, हवाएं कितनी तेज चल रही है, डस्ट कितना तेज चल रहा है। और यहाँ पर जो है हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इसमें काफी एहतियात बरतें, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा होता है कि जिस तरीके से हवाएं चल रही है इसमें चीजों का गिरने का खतरा होता है, और इसमें काफी ज्यादा आप एहतियात बरतें और इन हवाओं में जो है घर में ही स्टे किया करें। तो आप देख सकते हैं कि अभी हवाएं कितनी तेज चल रही है। हमारे साथ आरिफ है, जो कि हमें बोल रहे हैं पुलवामा में कोई बारिश नहीं हो रही है, कुपवाड़ा लोलाब में भी सेम ऐसी हवाएं चल रही है। हमारे साथ यहाँ पर द्रगमुला पुलवामा में हवाएं तेज चल रही है, पुलवामा में बारिश नहीं हो रही है, कुपवाड़ा में भी हवाएं चल रही है। और यहाँ पर हमारे साथ शंगरगुंड में कोई जगह है तूफान चल रहा है, यानी वहां पर भी काफी ज्यादा तेज हवाएं चल रही है। हंदवाड़ा मागम में भी बारिश हो रही है, और हमारे साथ यहाँ पर गांव में बहुत बारिश पड़ रही है। गांव कौन सा गांव, नाम भी आप जो है साथ साथ बताते चले कि गांव का नाम क्या है। वेरीनाग में कोई बारिश नहीं हो रही है, बारामूला में बारिश हो रही है और हवाएं भी हो रही है, यानी बारामूला में बारिशों के साथ साथ हवाएं भी चल रही है। डलगेट से आप ये भी बताएगा कि क्या चल रहा है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है या मौसम खुशगवार है। तो बारामूला में बारिश हो रही है या ऑलरेडी हमें बताया गया। बांडीपोरा में जो है काफी हवाएं तेज चल रही है, शुपियन में भी हवाएं तेज चल रही है, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश की बूंदें जो है गिर रही है, यानी बारिश की बूंदों की भी अब स्टार्ट हो चुका है। बारिश की बूंदें आप देख सकते हैं कि हवाओं की वजह से जो है कितना डस्ट उठ रहा है और काफी तेज हवाएं जो है अभी चल रही है। आप देख सकते हैं कि अभी आप लाइव विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि हवाएं जो है काफी ज्यादा तेज चल रही है और बारिश की बूंदें स्टार्ट हो चुकी है काफी तेजी से जो है। हमारे साथ लनूरा बारिश हो रही है, कुंजर में हवाएं चल रही है, श्रीनगर में तूफान मतलब
हवाओं के साथ साथ बारिश भी जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप हमें श्रीनगर से भी अपडेट करें कि पूरी कोशिश हम कर रहे हैं सबके कमेंट्स लेने के लिए। कुकरनाग में जो है मौसम काफी क्लाउडी है, यानी वहाँ पर जो है बादल छा चुके हैं। लोलाब में भी बादल ही है और आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में बारिश जो है शुरू हो चुकी है। इसी के साथ साथ आप श्रीनगर के भी एरियाज को अपडेट करते जाएं, क्योंकि श्रीनगर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है, कई इलाकों में सिर्फ अभी हवाएं चल रही है और कई इलाकों में अभी वो भी नहीं है। तो आप हमें श्रीनगर एरिया से भी अपडेट करते जाएं और जितने भी हमारे साथ व्यूवर्स हैं अपने तमाम इलाकों से हमें अपडेट करते जाएं कि इलाकों में अभी किस तरीके का माहौल है। मैं आपको पूरा यहाँ से व्यू दिखाना चाहूंगी। ये लाल चौक का व्यू है जो आप अभी देख रहे हैं। अभी यहाँ पर हवाओं के साथ साथ बारिशों की बूंदें भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुकी है और लोग जो है अपने घरों को जा रहे हैं, क्योंकि अब बारिश जो है काफी तेजी से शुरू हो चुकी है और हवाओं का सिलसिला काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे काफी सारे व्यूवर्स हैं, हम इनके कमेंट्स तब तक लेते चलते हैं कि पुलवामा में जो है हवाएं काफी तेज चल रही है और आप लोग अपने एरियाज को अपडेट करते जाएं। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताते जाएं कि आप लोगों के इलाकों में अभी कैसी सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि मौसम ने किस तरीके से करवट बदल ली है और आसमान में काले बादल छा चुके हैं, हवाओं के साथ साथ बारिशों की बूंदें भी स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे साथ यहाँ पर कंगन से है, कुकरनाग से है, बेमना हमदानिया कॉलोनी में लाइट रेन हो रही है, यानी वहां पर भी जो है बारिश शुरू हो चुकी है। लंगेट में हवाएं चल रही है, कुपवारा में भी जो है हवाएं चल रही है, पुलवामा में तेजी से जो है हवाएं चल रही है, बारामूला में बारिश हो रही है, लनूरा में भी बारिश हो रही है और इसके साथ साथ लोला में भी हवाएं काफी तेज चल रही है। और भी व्यूअर्स है अपने एरियाज को अपडेट करते जाए, हम आप लोगों को व्यू भी दिखाते चल रहेंगे और आप लोगों के कमेंट्स भी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि मौसम ने अभी 17 मई की शाम से किस तरीके से करवट बदल ली है। आपको जो है पूरे लाल चौक का व्यू दिखाना चाहेंगे कि लोग जो है अभी बिल्कुल, तो ये जो है 17 मई की शाम से मौसम ने करवट बदल ली और बारिशों के साथ साथ तेज हवाएं भी शुरू हो चुकी है श्रीनगर के इलाके में। और हमारे तक काफी सारे नाज़रीन है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें अपने एरियाज को अपडेट करते हैं और इससे सबको पता चल जाता है कि किन एरियाज में मौसम का सूरत हाल कैसा है और हम तक भी आप इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और अभी आप लोग लाल चौक का व्यू देख रहे हैं जहाँ पर आप हवाओं के साथ साथ, तो अभी जो है लाल चौक में बारिशों के साथ साथ हवाएं भी चल रही है और कई सारे इलाकों से हमें लोगों ने अपडेट भी कर दिया है। तो अभी के लिए जेके न्यूज पॉइंट में इतनी ही अपडेट, आप देखते रहिए जेके न्यूज पॉइंट। दीजिए अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।